हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी के पीटी में अब बहुत कम समय बचा हुआ है। कभी भी ऑफिशियल डेट अनाउंस हो सकता है और आपका पीटी की एग्जाम डेट घोषित किया जा सकता है। तो क्या पीटी की एग्जाम डेट तक आपको इंतजार करना चाहिए या अपने तैयारी में अभी से ही लग जाना चाहिए और जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछते हैं उसको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए। मैं बात करूंगा आज मुख्यतः पीटी परीक्षा बीपीएससी का, जो कि 67वीं बीपीएससी जो कि परीक्षा कैंसिल हो गया था पेपर आउट होने के चलते, आंसर वायरल होने के चलते, सेंटर बुक होने के चलते। आप सभी लोग जानते हैं कि फाइनल केस का कंक्लूजन भी जल्द ही होने वाला है। तो केस के कंक्लूजन हो जाने के बाद पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी और उनके तरफ से जो भी है वो अपना पक्ष रखेंगे और फाइनल जो आपको ये केस लड़ा जा रहा है एक तरफ से उनका भी अपना पक्ष होगा। फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं जैसा आपको सुनने में आया है। ठीक, तो मेन अभी जांच चल भी रहा है, जांच में और भी लोग देख रहे होंगे, दिन प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं। हम बात करेंगे मेनली परीक्षा के ऊपर कि परीक्षा को कैसे टारगेट किया जाए। लमसम आपके पास 45 से 50 दिन है, इस 45 से 50 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए कि 2-3 बार रिविजन भी हो जाए और जहां से क्वेश्चन आता है उसे भी हम देख लें। आज जो सब्जेक्ट है इतिहास है, क्योंकि अक्सर आप किसी की भी मतलब की वीडियो देखते होंगे या किसी भी टॉपर का या किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट का, तो अक्सर आपको सुनते होंगे कि इस बीपीएससी में जो इतिहास है ना वो बहुत गेम करता है, मतलब कि उसका ही मेन होता है टॉपिक। बात ये भी सही है, बीपीएससी की पीटी मतलब कि इतिहास पर पकड़ होना चाहिए। तो क्या इतिहास के लिए इतने मोटे मोटे बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ना पड़ेगा, मतलब वगैरह वगैरह लोग अपना बोलते हैं, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो कुछ अलग होगा, मुख्तलिफ होगा। और मैं बस बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है जिससे आप क्वेश्चन टारगेट कर ले, क्योंकि पीटी निकालना है, पीटी ही मेन है आपका। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए अपना अलग रणनीति होता है। हम पेपर भी रखे हैं जो कि मैंने खुद ही देकर आया था और मेरा क्वेश्चन बुकलेट का नंबर देख सकते हैं सी है, और इसमें इतिहास के प्रश्न मैंने कितना सही किया था और क्या क्या कहां से पढ़ा था, क्योंकि मैं ज्यादा दिन तैयारी नहीं कर पाया था क्योंकि उस समय मेरा भी अपना एकेडमिक कोर्स मतलब कि एकेडमिक चल रहा था, एलएलबी का तैयारी चल रहा था। तो इसमें आखिर क्या है और कहां से क्वेश्चन आया है और कैसे उस बुक को देखा जाए, मैं आपको क्या उसके लिए कराना चाहता हूं, मतलब मैं बुक ही खत्म कराना चाहता हूं आपके लिए, और वो बुक को कितना जल्दी खत्म हो सकता है। आप लोग कहिएगा कि इतना जल्दी इतिहास कैसे हम लोग पढ़ लेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका चिंता मत कीजिए, ये हम पर छोड़ दीजिए। बस ये देखना होगा कि आप जितना जल्दी रिवीजन कर ले उसे 2-3 बार। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। मेन हम बात करेंगे कि क्वेश्चन आया कहां से है। देखिए 32-33 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यहां से देखिएगा ये जो पेज मैं आपको खोल रहा हूं यहां से मैं पढ़कर आपको बताऊंगा और उसका सोर्स बताऊंगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से आपको ये यहां से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है आपको, और बीच बीच में देखिएगा कि गैप भी है और फिर आपको ले जाकर कंक्लूजन में मतलब 33-34 क्वेश्चन आया हुआ है आपके इतिहास से। इस बार का इतिहास के पेपर सच्ची में आपको बहुत हल्का था, मतलब ये मत आप कहिएगा कि बहुत हार्ड था, क्योंकि और इतिहास के पेपर उठाकर मतलब कि पीटी में इतिहास का देखा जाए तो इजी था, लेकिन उतना भी इजी नहीं था जितना लोग बोल रहे थे कि ये मतलब, क्योंकि कंफ्यूजन में गलती भी होता है। अब यहां से मैंने इसमें लगभग समझिए 32-33 क्वेश्चन में मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं पहले, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन मुझसे गलती हुआ, एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था उससे वो रंगने में गलत हुआ था, मतलब मैंने क्वेश्चन पर टिक मार रखा था, छोटा सा टिक लगा देता हूं, तो रंगने में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था और एक क्वेश्चन जेन्युइन गलत हुआ था क्योंकि मैं उस बारे में नहीं पढ़ा था, मैं ऐसे ही तुक्का लगा दिया। और मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन के बारे में मैं नहीं पढ़ा था और ऐसे ही तुक्का लगा दिया, और इसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट बुक है उसका बुक का मैं पेज नंबर भी लिख रखा हूं, और एक एक क्वेश्चन मैं बताते चलूंगा, वो बुक में एक एक पेज में वो क्वेश्चन दिया हुआ है और कोई कोई एक एक पेज से 3-3 क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं बुक में। देखिए बुक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये बुक सबके पास होगा, ऐसा कुछ मुझे पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। ठीक, ये देखिए ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं मानता हूं बीपीएससी पीटी के लिए इतिहास का। कितना पतला बुक है आप देख सकते हैं, जिसमें मात्र आप देखिएगा आधुनिक का, अगर हम बात कर ले आधुनिक का जहां की सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, आप अगर 32 क्वेश्चन आता है इतिहास में 33 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन, तो उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन तो आधुनिक से सिर्फ आ जाता है, यहां से आधुनिक स्टार्ट होता है, और मात्र इतना पतला बुक है जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन है, आधा से अधिक तो क्वेश्चन ही है थ्योरी भी है। तो क्या आप 25 क्वेश्चन के लिए ये इतनी सी आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, ये समझिए कि आप मेडिवल और एंशिएंट अगर छोड़ देते हैं, नहीं तो ये भी समझिए कि आधा मेडिवल और एंशिएंट आधा बुक में हो जाता है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्या ये बुक आप नहीं पढ़ सकते हैं, ये मार्केट में कितना भी रुपया मिले उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये बुक किसका है, तो संपूर्ण भारत का इतिहास साथ में बिहार और विश्व का संक्षिप्त इतिहास, ये नया एडिशन में आया है इसलिए ये जोड़ दिया गया है, बिहार का भी कुछ स्पेशल और आपको विश्व इतिहास का भी कुछ स्पेशल है। एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये किसका है, तो पीपी गुप्ता।
मैं अभी तक जितना बुक देखा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास बुक नहीं है और मैं पढ़ा भी नहीं हूं, एनसीईआरटी भी पढ़े हैं, लेकिन ये सबसे मुझे बुक अच्छा लगा क्योंकि इसमें लिमिटेड सोर्स दिया हुआ है, लिमिटेड आपको जो भी जानकारी है और उसी बेसिस पर क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। अगले जैसे चैप्टर का थ्योरी खत्म फिर क्वेश्चन आता है, और समझिए कि बहुत अच्छे तरीका से बहुत आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है, आसान भाषा में, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दो तीन बार पढ़िएगा, पूरा आपके जुबान पर होगा। अब ये जो बुक है, जो पीपी गुप्ता है, इसका क्या खासियत है, इसमें से जो इस बार क्वेश्चन आया है या इससे पहले जितना भी एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, आपका इतिहास का सबका क्वेश्चन मिल जाएगा, मेडिवल का, एंशियंट का, मॉडर्न का, सबका क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, जैसे देखिए मैं बैठ जाता हूँ, खड़ा रहते रहते पैर थोड़ा दुख जाता है, मैं बैठ जाता हूँ, बैठ कर मैं आपको बताता हूँ कि असल में क्या मामला क्या है और मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ देखिए, मैंने बताया कि ये जो पेपर है, इस पेपर में मैंने आपको पेज नंबर लिख रखा है, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा क्वेश्चन, आप सुनते जाइएगा, और मैं पेज नंबर, अगर ये आपके पास बुक होगा तो इस बुक का मैं पेज नंबर बताऊंगा, उसमें ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो फिर आप क्वेश्चन सही किए होंगे। और कुछ क्वेश्चन मैं और बताऊंगा कि जो और बुक में नहीं मिलेगा, जैसे कि क्राउन में नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन, और लूसेंट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो भी मैं क्वेश्चन आपको बताते चलूंगा कि ये क्वेश्चन क्राउन और लूसेंट में नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको कुछ तो बदलाव करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्राउन और लूसेंट मत पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं। अब लोग पूछेंगे कि सर सिपाही और दरोगा के लिए कौन सा बुक पढ़े, तो सिपाही के लिए तो समझिए कि ये रामबाण साबित हो सकता है, और दरोगा, खासकर दरोगा के लिए। इसके साथ भी और कुछ बुक बताऊंगा जिसका मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं। आप लोग इधर उधर जाने के कहीं मतलब ये नहीं है, मतलब मैं आपको कराऊंगा, और अगले जो 50 दिन होगा बस यही आपको पीटी को टारगेट करते हुए चार सब्जेक्ट मैं आपको कराने वाला हूं। एक आपको इतिहास, यहां से क्वेश्चन आपको 30 से 35 आते हैं, करेंट अफेयर 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, साथ में साइंस, साइंस का भी मैं बताऊंगा कहां से ही क्वेश्चन आता है, और एक ही बुक आपको आपको सफिशियंट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्पेशल बिहार, बिहार स्पेशल का तो मैं खुद ही आपको देखते हैं कि टाइम टू टाइम आपको टेस्ट लेते रहता हूं, कराते रहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, मेन आप लोग पूछे थे कि इतिहास के लिए हम कहां से पढ़े क्या पढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन था इतिहास का मेरे जो सी है इसमें, कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, भारत छोड़ो आंदोलन, प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन, या कैबिनेट मिशन, या ई ऑप्शन दिया हुआ था। इसमें आंसर क्या होगा, सबसे पहले पूछ रहा था, आप सभी लोग जानते हैं, और इसका आपको मैं बता देता हूं, इसका पेज भी देखिएगा तो 187 नंबर पर आइए, इस बुक का पेज का 187 नंबर मैं लिख रखा हूं, इस पर 187 पर आइएगा तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ये पहले कौन हुआ था। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया है अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, मुझे लगता है इस बार ये हो सकता है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उसके बाद देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें बिना बताए हुए यहाँ के सैनिकों को शामिल कर लिया गया था। फिर आता है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, मार्च में आता है 23, अब देखिएगा मार्च, यहां पर देखिए 23 मार्च 1942 को ये पहुंच जाता है दिल्ली में, और अपना जो रिपोर्ट है 30 मार्च 1942 को सौंपता है। उसके बाद ही देखिएगा फिर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि तत्कालीन कारण यही था कि क्रिप्स प्रस्ताव का जो भी बात था वो सही नहीं था। ठीक, मतलब कारण और भी थे, मेंस में लिखने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि मेरा इतिहास ही रखे हैं ऑप्शनल अपना मेंस के लिए, तो मैं कहिएगा तो उस पर अलग बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको इतिहास लिखा जा सकता है। ठीक, ये है, और यहां पर फिर देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का 7 अगस्त से फिर 8 अगस्त 9 अगस्त ये प्रक्रिया चलते रहता है, 9 अगस्त को सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, 8 अगस्त को आपको ग्वालियर टैंक से ऐलान होता है, 7 अगस्त को बैठक होता है, तो उसमें ये बात चलता है। अब यहां पर देखिएगा कि तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो यही आपको क्रिप्स मिशन जो होगा, इसके सफलता है, मतलब क्रिप्स मिशन सबसे पहले आया था, और यही इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें भारत छोड़ो 1942 हो जाएगा, क्रिप्स मिशन भी 1942 है लेकिन 23 मार्च को है। ठीक, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल 1944 से 47 में आए थे, कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था ये 1946 में हुआ था। तो ये आप समझ गए कि इसका आंसर कितना आसान है, मैंने पेज भी बता दिया, यहां से आप पढ़कर देख सकते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 1929 में, देखिए क्वेश्चन ये है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, आप सभी लोग जानते हैं कि रावी नदी के किनारे सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, ये कहां पढ़ने को मिलेगा, आप पूछ आपके दिमाग में आएगा, देखिए पेज नंबर 183 पर आ जाइएगा, इसके 10-2 पेज पीछे आइएगा 183 पर, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां ग्रीन कलर का आपको देखिएगा ये भी किया हूं, मतलब कि इसे कर दिया हूं कि यहां पर देखिएगा लाहौर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यहां पर देखिए ये साथ साथ दिया है कि जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन का मतलब समझिए कि एक एक पॉइंट आपको देखकर चलना होगा और फिर करना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं थे, 1917 के चंपारण सत्याग्रह, बस एक पेज और पीछे चल जाइए, गांधी जी वाला जो आपको काम है उनके पीछे, मतलब दो पेज पीछे जाइएगा, तो यहां पर देखिए ये रहा चंपारण सत्याग्रह।
चंपारण सत्याग्रह में पूछ रहा था कि इसमें से कौन नहीं थे, राम मनोहर लोहिया नहीं थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध में थे। यह याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में भूमिगत जो आंदोलन चलाया गया था, जयप्रकाश नारायण जी भी थे उसमें, ये इनका योगदान आता है, ये नहीं थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि 1917 की चंपारण सत्याग्रह से कौन नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे, बाकी जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, ये तो आमंत्रित ही किए थे, और राजेंद्र प्रसाद, ये सब थे, ये इसमें दिया हुआ है। जेबी कृपलानी देखिए यहाँ पर दिया है, जेबी कृपलानी, कृष्णदेव देसाई और बाबा नरहरि पारिख इस आंदोलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधी जी के साथ दिया था, और फिर अब बाद में जाकर देखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से आपका क्लियर हो गया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, इसका भी पेज देखिए लिखा हुआ हूं, 162 पेज नंबर 162 पर चले जाइए, वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम मतलब कि क्वेश्चन भी दिया है, मैं आपको बस थ्योरी अभी करा रहा हूं, क्वेश्चन भी देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसी में आपको ये क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको जो 162 पेज नंबर 162 में जाइएगा, देखिए 162 में देखिए यहां पर मैंने आपको लिख रखा है, यहां पर देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है का कि बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में दिया हुआ है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपको योगदान किए थे, और भी जगह पर दिया हुआ है, बस ये मैं एक आपको बताया। फिर आपको आता है कि भारत छोड़ आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, एकदम हूबहू लिखा हुआ है, हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण, मतलब कि 187 पेज नंबर में देखिए इसका, 187 पेज नंबर, कहने का मतलब हर एक पेज से दो पेज, एक पेज से दो दो क्वेश्चन आया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं रेड कलर का ग्रीन कलर का कर रखा हूँ कि देखिए जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर हनुमान नगर के बकरे के टापू पूछता है कि कहाँ से, तो हनुमान नगर के बकरे के टापू नेपाल वाला क्षेत्र से, ये भूमिगत आंदोलन की मतलब भूमिगत अपना कर रहे थे आंदोलन, ठीक, मतलब कि सरकारी आवास को तोड़ना, सरकारी जो कामकाज है उसको पहुंचाना बाधा, और जो यातायात के साधन है या जो संपर्क के साधन है उसे भी तोड़ना, जिससे कि हमारी जो आंदोलन है और उसको उग्र बनाया जा सकते है, और अंग्रेजों से जो भी अपना मनवाना है वो मनवा सकते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर देखिएगा, तो ये दो दो पेज में आपको आंसर मिल जाएगा, एक तो पेज नंबर 170 में मिल जाएगा और एक पेज नंबर 211 में मिल जाएगा, मतलब कि एक ही क्वेश्चन को दो दो जगह दिया हुआ है, तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर हो जाएगा, चित्रंजन दास किए थे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखिए मैं पूरा बुक नहीं बताने वाला हूं, आपको बस क्वेश्चन बता देता हूं, उसका पेज बता देता हूं, हक होगा बुक तो आप जरूर मिला लीजिएगा, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूं, ठीक। देखिए ये दिया है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये तो खाद्य और कृषि मंत्री थे, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इतना आसान क्वेश्चन तो आप पेज में भी मत खोजने की कोशिश कीजिएगा, लूसेंट में आप हर जगह पढ़े होंगे। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी, ये देखिए कोई पेज नंबर 192 है, पीपी गुप्ता के पेज नंबर 192 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, ये भी दिया हुआ है किसने किया था, देखिए 192 आप निकालिएगा, इसमें आपको दिया हुआ है, मैं आपको प्रूफ के साथ हर चीज बताता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, यूएसए में है, मतलब अमेरिका में है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन था कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, ये देखिए पेज नंबर 167 के क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पेज नंबर 167 के क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, तो 167 हम निकाल रहे हैं, मतलब 167, और इसके क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिएगा, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देखिए 167 के, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 रहा, ये हूबहू वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, जस्ट के दस क्वेश्चन निकाल कर रख दिया गया है, ठीक। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो लेखक है ये लाला राजपत राय है, ये पेज नंबर 174 में मिलेगा, यहां पर मैं क्वेश्चन पढ़कर आपको सुना रहा हूं, उसे समझने की कोशिश कीजिए, देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन एक बार में आपको समझिए कि थोड़ा काफी ज्यादा ही पसीना हो गया, एक ही बार में आप समझिए कि अगर बुक देख लेते हैं एक बार में, एक बुक को चूज कर लेते हैं तो फिर आप आगे का प्रॉब्लम सब खत्म हो जाता है। अनहैप्पी इंडिया लाला राजपत राय पेज नंबर 174 में आपको देखने को मिलेगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, पेज नंबर 184 में चल जाइएगा, गोलमेज सम्मेलन के बारे में दिया हुआ है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, ये पेज नंबर 169 में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, पेपर होगा तो देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले समान सूचक नेताजी शब्द, अब ये लूसेंट में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्राउन में मिलेगा नहीं मिलेगा, कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले समान सूचक शब्द जो नेताजी है किस देश में जोड़ा गया है, ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें दिया हुआ 100 पेज नंबर 190 निकालिए, एकदम दिया हुआ है, आप समझ में आपको आ जाएगा कि ये बुक मैं क्यों बोल रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि हार्ड से हार्ड पिछले साल का भी मैं आपको बता दूंगा, छठी बीपीएससी का भी पेज बाई पेज कहां से क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपको दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने, एक क्वेश्चन नंबर मेरा 38 नंबर ये क्वेश्चन था, ठीक। 190 में आइएगा तो यहां पर देखिए कि इसी अवसर पर हिटलर के विश्वास पात्र व्यक्ति रोबेंटेप को इनके नेताजी कहकर संबोधित किया, कुछ विद्वानों के अनुसार हिटलर ने सर्वप्रथम इनको नेताजी कहा था, कब, जब ये जर्मनी चले गए थे सोवियत रूस होते हुए, यहां पर देखिए दिया हुआ है
कि ये आपको सोवियत रूस होते हुए बर्लिन पहुंचे थे। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की। तो जर्मनी में इनको सबसे पहले आपको नेताजी कहा गया था, जो कि आपको हिटलर के सेनापति आप बोल सकते हैं, या आपको हिटलर भी बोला जाता है कि ये भी बोले थे। अब यहां पर देखिए आगे क्वेश्चन था कि चटगांव शस्त्रागार धावे की कौन संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार जो धावा हुआ था ये 192 नंबर पेज में आपको मिलेगा, सूर्यसेन आंसर हो जाएगा। बकिम चंद चटर्जी आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है? ये देखिए यही क्वेश्चन जो हुआ था, मेरे से गलती हुआ था, गलती नहीं, मेरे क्वेश्चन आंसर सही लगाए थे, लेकिन जल्दबाजी में क्या हुआ कि मैं गोले रंगने में आपको जो गोला रंगना था मुझे, जैसे सन्यासी विद्रोह इसमें वर्णित है, मैं रख दिया था नील विद्रोह, तो जिसके कारण मेरे से ये क्वेश्चन एक गलत हो गया था और मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि देखिए ये आते हुए क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ। ये पेज नंबर 157 में, और मैं इसके लिए कोई लूसेंट नहीं पढ़ा, कोई क्राउन नहीं पढ़ा, मैं यही बुक पढ़ा था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि लूसेंट क्राउन बहुत पहले ही मतलब एक दो बार देखे हुए थे, लेकिन उससे मुझे पता था कि एक ही बुक मैं ऐसे कम समय में 15 दिन में मैं कौन सा बुक खत्म कर सकता हूँ 2-3 बार, तो मुझे लगा कि यही बुक ऐसा है जो खत्म हम कर सकते हैं, और मुझे मेंस के भी अच्छा इसमें फायदा दिखाई दिया, क्योंकि मेंस के भी कुछ कुछ टॉपिक जो है वो इसमें मिल जाते हैं। ठीक, फिर आप बात आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। अब यहाँ पर आइए, बीच में क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट का आ गया है। क्वेश्चन नंबर 111 में देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। पेज नंबर 190 में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें दिया हुआ है। फिर बात है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, ये तो सभी लोग जानते हैं, संविधान का भी क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिम सरकार जो गठन किया गया था लियाकत अली। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 था कि 1855 में संथाल विद्रोह किसने किया था? 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व दो भाइयों थे, सिद्धू और कानू ने किया था, और ये पेज नंबर 158 में दिया हुआ है पीपी गुप्ता का, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक, फिर गांधी जी ने चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? देखिए दो, एक ही पेज से दो क्वेश्चन आ गया कि कौन नहीं चंपारण सत्याग्रह में और कौन चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था, तो ये देख सकते हैं कि ये दिए थे राजकुमार शुक्ल। मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि राजकुमार शुक्ल तो लखनऊ में मिलने गए थे, लेकिन क्या लखनऊ में ही बोल दिए तो गांधी जी आगे नहीं? पूरा इतिहास अब डिटेल पढ़िएगा मेंस की दृष्टि से, तो आपको समझ में आएगा कि उसके लिए राजकुमार शुक्ल ने उनके गुजरात भी जाकर काफी ज्यादा मेहनत किया, काफी ज्यादा लेटर बार बार लिखे, तब जाकर गांधी जी आए थे हमारे बिहार के चंपारण में। ठीक, तो ये दे रहा था गांधी जी चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया, राजकुमार शुक्ल, पेज नंबर 176 में ही आपको यह देखने को मिलेगा। पेज नंबर 176 से दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किसे ज्ञान की प्राप्ति होती? प्राचीन में चले जाइए, ये आप गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होती, बोधि ब्रिज अभी भी गया में है। फिर क्वेश्चन नंबर 116 है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति, ये देखिए ये बिहार का भी क्वेश्चन और मॉडर्न का भी इसे बोल सकते हैं क्वेश्चन, की अनुशीलन समिति के पटना में जो स्थापना किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, और इसमें आपको देखिएगा सत्येंद्रनाथ सन्याल का, ये पेज नंबर 191 में जाइएगा, तो यहां पर पेज नंबर 191 मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूं और उसमें आपको पढ़िएगा। देखिए पेज नंबर 191 ही खुला हुआ है और यहां पर देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्या कि सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का गठन किया था, यह साफ साफ इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 191 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, वीडियो काफी लंबा हो गया। बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में गठन किया, किन्होंने गठन किया? तो देखिए बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में गठन किया गया था, किन्होंने गठन किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, और ये पेज नंबर 195 में, मतलब कि अभी जो क्वेश्चन देखे उससे दो पेज आगे मेरे, मतलब ये बुक के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा 195 में, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है नीचे की तरफ, ये देखिए कि 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना किया गया था, जिसमें मुख्य भूमिका जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, ये दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, शेरशाह के मुकाबला, ये तो हमारे सासाराम में ही है, बगल में ही है, तो शेरशाह के मुकाबला के लिए ही आपको पेज देखिए पेज नंबर 102 में जाइएगा, तो दिया हुआ है कि शेरशाह ने अपना मुकाबला जो है, ये शेरशाह का मुकाबला है जो कि एक झील के अंदर है और ये सासाराम में स्थित है। ठीक, ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाए थे शेरशाह। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ये हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में इसमें कौन होगा? तो ये आपको एक बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल। लोथल कहाँ है आपको? ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर आप देखिएगा बाकी और भी, देखिए क्वेश्चन नंबर 120 भी है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे, ये भी दिया हुआ है, दो दो जगह क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो ये पेज नंबर 65 मात्र देखिएगा, प्राचीन काल में जाइएगा 65 देखिएगा, तो विजय वाले आपको नाम दिया देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121 था कि बौद्ध संगीत अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए पेज नंबर 28 जाइए, और ये क्वेश्चन तो मैं हर सेट में भी कराया हूँ, पेज नंबर 28 में जाइएगा तो यहाँ पर आपको नाम मिलेगा, महाकश्यप, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था, ये आपको देखिएगा मिलता है। ठीक, राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 122 में देखिएगा, यही क्वेश्चन देखिए मेरे से गलती हो गया था, और मतलब ये समझिए कि क्वेश्चन थोड़ा अगर दिमाग लगाते तो हो जाता सही, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे से गलती हो गया था, मतलब जेन्युइन गलती हुआ था, मुझे नहीं आ रहा था। ठीक, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता ये, देखिए ये क्योंकि इसके बारे में मैं कभी पढ़ा जरूर था। किराता जुनरीय पुस्तक के लेखक किसने हैं? तो किराता जुनिये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ये आपको देता है, तो ये भारवी है और ये पेज नंबर 68 में दिया हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल उतना अच्छे से नहीं इस बुक का मैं पढ़ पाया था, क्योंकि 15 दिन में पढ़ना था,
तो ये देखिए भैरवी बुक पूरा लिस्ट दिया है, उसमें ये दिया हुआ है। ठीक, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया ये भी दिया हुआ है, पेज नंबर 78 माफ कीजिएगा, पेज नंबर मात्र 78 में जाइएगा तो गुलाम वंश के अंतर्गत देखिएगा, इल्तुतमिश ने इसे आपको पूरा किया था कुतुब मीनार का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे ये भी पेज नंबर 95 में जाइएगा, तो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, ये आप देख सकते हैं, ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, राजधानी हम्पी अभी कर्नाटक में मिलता है उसका कुछ अवशेष। अब आगे के पेज पर हम आते हैं, पेज देखिए क्वेश्चन आपको दिखिएगा 125, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए कि किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था, किस मुगल शासक के समय थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के समय, यह दिया हुआ है पेज नंबर 109 निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, आईने अकबरी जो लिखा गया था अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया था, ये आपको पेज नंबर 106 में मिलेगा। ठीक, रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था, रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो लागू किया गया था 143 पेज नंबर निकाल कर देखिएगा, कि मद्रास वाला क्षेत्र में लागू किया गया था, 143 निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित, मतलब कि 1857 के जो विद्रोह है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था, पेज नंबर 161 निकाल कर देखिएगा, तो बी डी सावरकर द्वारा ये कहा गया था। ठीक, बुक भी लिखा गया था। अब देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये थी एनी बेसेंट, 1917 के अधिवेशन आप जान रहे होंगे, और ये पेज नंबर 170 में आपको मिलेगा। ठीक, अगर भारतीय मात्र पूछता तो वो हो जाती सरोजिनी नायडू। बहिष्कृत भारत जनरल किसके, बहिष्कृत भारत जनरल जो है ये आपको अंबेडकर देखिएगा, आपको बाबा साहेब अंबेडकर, पेज नंबर 166 में जाइएगा, ये आपको दिया हुआ है, थ्योरी के सहित क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, टोटल देखिएगा 32 से 33 क्वेश्चन मैंने कराया, और यहां से मैं आपको बता सकता हूं कि एक जितना भी क्वेश्चन आया है एक पेपर के इतिहास का, उसके लिए ये बुक जो है बहुत उत्तरदायी है, मतलब कि बहुत ही अच्छा है। मैं बता रहा हूं कि ये बुक जरूर आपको मतलब पढ़ना चाहिए अगर है तो, नहीं तो ये बुक मैं खत्म करने वाला हूं, कल ही से इसका लेक्चर स्टार्ट मैं कर रहा हूं। मैं अपना नोट्स का भी इस्तेमाल करूंगा इसमें, कि जैसे कोई एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाए, कि क्वेश्चन अगर हार्ड बनाया जाता है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन सारा इस बुक का कराने वाला हूं, और साथ में मैं आपको जो इसमें फैक्ट होगा वो भी कराते चलूंगा, और उसके साथ जो मेरा नोट्स है वो भी उसका भी मैं उपयोग करते चलूंगा। ठीक, इससे क्या होगा कि इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और ये जब बुक मैं आपको करा दूंगा उसके बाद कौन सा मैं करा दूंगा, जिससे आपका कोई भी लेवल का क्वेश्चन आए बीपीएससी में, 32 33 35 इतिहास का क्वेश्चन आए, 30 से ऊपर आप स्कोर कीजिएगा। देखिए मैं ये भी बोल सकता हूं कि आप भी ये भी इतिहास पढ़ सकते हैं, ये भी मतलब पढ़ सकते हैं अगर समय होगा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, और भी तो सब्जेक्ट पढ़ना है ना, और कम से कम 4 सब्जेक्ट जरूर पढ़ना है आपको, इतिहास, साइंस, करंट अफेयर, और ऊपर से आपको बिहार स्पेशल, यही क्वेश्चन देखिएगा 100 से 120 के बीच अपना स्कोर कर आप आइएगा, अगर इस पर सबसे ज्यादा कमांड हो जाता है तो। और इसके लिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा क्योंकि रिवीजन ही, तो ये बुक मेंस के लिए मुख्यतः देखिएगा उत्तरदायी होता है, तो इसको मैं अलग रख देता हूँ ये बुक नहीं। लेकिन काफी लड़के पूछते हैं कि सर ये बुक से क्वेश्चन लगाना चाहिए, परीक्षा वाड़ी जो लगा दिया ना उसका पीटी कभी नहीं रुकेगा, परीक्षा वाड़ी आप सब खत्म कर लीजिए, इसको पीटी नहीं रुकेगा आपका, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका कौन सा सबसे ज्यादा आपको महत्वपूर्ण है, तो इसमें आप देखिएगा पेज नंबर निकालिए इतिहास में, ये देखिए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पेज नंबर 322 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपको कहां तक पढ़ना है, 709 तक पढ़ना है, 709 इसका क्वेश्चन मैं टाइपिंग होने के लिए दे रखा हूं, मैं सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले इसका करा दूंगा, और इसमें इतना मस्त मस्त क्वेश्चन है समझिए कि आप कहिएगा कि हू बहू ये क्वेश्चन है, एकदम ला कर दे दिया जाता है बिहार, मतलब कि बिहार पीसीएस में। ठीक, तो ये सारा क्वेश्चन लगभग 700 जो क्वेश्चन है सारा मैं करा दूंगा, ये टाइपिंग के लिए मैं दे दिया हूं, टाइपिंग हो रहा है, और आपका तैयारी जो इतिहास का होगा मेरे तरफ से कोशिश होगा कि बेहतरीन तरीका से आपके इतिहास की तैयारी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, कि अगर आप एक घंटा भी डेली 1.5 घंटा समय दे रहे हैं इतिहास में तो आपको कभी ऐसा ना लगे कि मैंने ये वीडियो देखा तो मुझसे घाटा हुआ या मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, आपको यही लगना चाहिए कि आपका बेनिफिट हुआ है। तो इस बुक की स्टार्ट किया जा रहा है, बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट कर करके क्या ये बुक को स्टार्ट कर दिया जाए कल से, कमेंट बॉक्स में अपना जरूर यस लिखना है, सभी लोगों को कम से कम यस लिखना है कि इसे एनर्जी मिले, और जल्दी से मैं खत्म कर दूंगा, 30 से 35 दिन में इस बुक को खत्म कर दूंगा, और रिवीजन भी आपको करा दूंगा, ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा, मैं आपको हर बात बताऊंगा और इतना फैक्ट मैं आपको बता दूंगा क्योंकि बीपीएससी पीटी फैक्ट पर ही आधारित है, और पिछले बार मतलब कि इस बार मैंने भी आपको देखिए ये दिया है, पहली बार मैंने बीपीएससी की एग्जाम पीटी में मतलब दिया है, और क्योंकि एकेडमिक सेशन चल रहा था मेरा कुछ और ही, तो इसकी तैयारी करने के लिए समय देना पड़ता है, ऐसे तुक्का मारकर बस फॉर्म नहीं हम भरते हैं, मतलब कि एग्जाम देने चले जाते हैं, और दरोगा के भी एग्जाम में दो दो बार पीटी आप देखे होंगे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये बुक अगर पढ़ते हैं और ये बुक को अच्छे से कर लेते हैं तो अच्छा होगा, ऐसा मतलब पैसा नहीं मिल रहा है इसके लिए, ये बात ध्यान दिमाग में एकदम निकाल दीजिएगा। ठीक, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बुक होगा तब पर भी ठीक है, नहीं होगा तो कोई ठीक मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं जब कराऊंगा तो आप जरूर यहां से कर लीजिएगा। ठीक, और बाकी आपका बुक लेना भी हो तो आप जाकर ले सकते हैं, मुझे लगता है कि ये बुक जरूर होना चाहिए बीपीएससी स्टूडेंट के पास। ठीक, पीपी गुप्ता है,
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपना जरूर सुझाव लिखिएगा, और सब्जेक्ट का जो होगा उस पर भी मैं आपको पेज लिखकर बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि ये पिछले बीपीएससी जो हुआ है वही क्वेश्चन है, और भी पिछले बीपीएससी का पूरा एनालिसिस मैं कर पेज बाई पेज ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर मैं लिखा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर रखता हूँ सभी बीपीएससी का, और इससे अच्छा होता है क्वेश्चन मिलाने में कि कहाँ से क्वेश्चन कितना आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।